नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने दिया जागरूकता का संदेश। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षिता रोलानिया की, जिसने अपने 11वें जन्मदिन पर थोई थाने के सामने 15 हेलमेट बांटे। अक्षिता रोलानिया के पिता का नाम कमलेश रोलानिया है और उनके दादाजी का नाम है फत्ताराम रोलानिया। रोलानिया की ढाणी थोई की रहने वाली अक्षिता रोलानिया ने अपने जन्मदिन के ऊपर राहगीरों को, दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटकर एक दुर्घटना से बचने का संदेश दिया। समाज को जागरूक करने के लिए अक्षिता ने अपने जन्मदिन के ऊपर 15 हेलमेट वितरण किए। 11वां जन्मदिन इस बार अक्षिता मना रही है। सीएससी थोई में भी अक्षिता अपने पिता कमलेश रोलानिया, अपने भाई और दादाजी फत्ताराम रोलानिया के साथ पहुंची। अक्षिता रोलानिया ने अपने जन्मदिन के ऊपर सीएससी थोई में एडमिट मरीजों को भी फल वितरण किया। इस मौके पर सीएससी थोई में भर्ती और उपस्थित लोगों ने अक्षिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अक्षिता रोलानिया, जो कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, जिसकी सोच वर्तमान में आज के समय में हम आए दिन रोड पर दुर्घटना देखते हैं और लगभग जो दुर्घटना होती है वो दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको काफी नुकसान होता है। अक्षिता रोलानिया ने यही देखकर अपने जन्मदिन के ऊपर हेलमेट वितरण किया। सीएससी थोई में पहुंचकर भी अक्षिता रोलानिया ने अपना जन्मदिन मनाया, जहां पर भर्ती सभी मरीजों को उन्होंने केले बांटे। अक्षिता रोलानिया की सोच को लेकर थोई थाना अधिकारी सुभाष शर्मा ने भी काफी प्रशंसा की और कहा कि एक 11 साल की बच्ची जब दुर्घटना को लेकर इतना गंभीर सोच सकती है तो सबको भी गंभीर होकर सोचना चाहिए और बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाना चाहिए। अक्षिता रोलानिया ने क्या कहा अपने जन्मदिन को लेकर, और सुभाष शर्मा ने अक्षिता रोलानिया की इस सोच को लेकर क्या उन्होंने कहा, आइए जानते हैं रिपोर्ट में। जी सर, आज अक्षिता जो बेटी है, इसकी उम्र देखो अभी 10-11 साल ही है, इसकी सोच अच्छी है। इसने अपने जन्मदिन पर यहाँ करीब 15 व्यक्तियों को हेलमेट बांटकर अपना जन्मदिन मनाया है। मैं इसकी जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, मेरे दादाजी ने हेलमेट बांटने का विचार किया। इस बार रोड पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, इसलिए मेरे दादाजी ने हेलमेट बांटने का विचार किया।